हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ अंडा करी। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है, बट ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो। मैं इसमें अंडे को थोड़ा सा फ्राई करके तल कर बनाने वाली हूँ, और ये हमारे बिहारी स्टाइल में अंडा करी है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। और उससे भी बड़ी बात है, ये टेस्ट में बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा होता है। तो ज़रूर इसे ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों से इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड माई चैनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब यूं ही बने रहें, स्टे कनेक्टेड। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस की तरफ। और ये रहा आपके लिए फाइनल लुक। देखिए कितना यम्मी कलर और यम्मी लुक है, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, और उतना ही टेम्पटिंग इसका स्वाद भी है। एक बार खाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए लजीज अंडा करी का रेसिपी देखते हैं कि कैसे बनेगा, प्रोसेस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अंडा करी बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप है कि हमने बॉईल किया हुआ अंडा लिया है, थोड़ा हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई इन द सेंस हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से ऑयल डाल के। तो मैंने ऑयल यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक एक करके अंडा इसमें डालती हूँ। ध्यान रखिएगा क्योंकि अंडा थोड़ा भी बॉयल करके बस छीला है, तो हल्का सा मॉइस्चर रहता है, तो तेज चटकेगा, तो बी केयरफुल डालते वक्त। तो हमें अंडे को अच्छे से गोल्डन कर लेना है, थोड़ा सा इसका कलर चारों तरफ से गोल्डन हो जाना चाहिए सारे अंडे का। तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मैं जब भी घर में वैसे एक करी बनाती हूँ नॉर्मल डेली रूटीन में, तो मैं एक को फ्राई नहीं करती। एक को फ्राई करने से उसका प्रोटीन सारा जल जाता है, थोड़ा सा वो बताती हूँ। पर बहुत लोगों को इस तरह के अंडा करी पसंद है, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, बनाकर मैं डालती हूँ। तो फिर रेसिपी अपलोड आप सबके साथ शेयर करने के लिए, रेसिपी अपलोड करने के लिए मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ। पर बेटर होगा अगर आप कभी कभी बना रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई पार्टी आ रहा है, तो ज़रूर इस तरह से बनाएं क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन अगर आप डेली यूज़ अपने घर में नॉर्मल खाने में बना रहे हैं, तो प्रेफर करें कि आप इसे ट्राई ना करें, इसके प्रोटीन को बचा ले थोड़ा सा। बट हाँ, अगर आप फ्राई करके बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसलिए जो स्वाद है ना वो बिल्कुल अलग हो जाती है, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है फ्राई करने से। तो चलिए, और इस तरह से थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा लगता है बनाने में, तो चलिए बनाते हैं इसे। बाकी रेसिपी है ये, किसी भी पार्टी फंक्शन बर्थडे पार्टी में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, एक करी को अपने फूड आइटम में ऐड कर सकते हैं अगर आपने इस तरीके से बनाया। तो ये हो रहा है गोल्डन, ट्राई कर लेते अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अंडा भून कर निकाल लिया है, ये देखिए अच्छे से कलर कितना अच्छा आ गया है। चलिए, जो बचा हुआ तेल है उसमें अब ऐड करते हैं हमारे मसाले और इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो इसके लिए पहले सबसे पहले तेल ऑलरेडी गर्म है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच जीरा। जीरा चटक ले, लाटर हो जाए, ऐड कर रही हूँ ऑनियन, ऑनियन को मैंने एकदम चॉप कर लिया है। चॉप करने से क्या होता है, टाइम कम लगता है ऑनियन गलने में, और दूसरी बात है कि एकदम पतला, अगर आप ग्राइंड करते हैं तो एकदम पतला पेस्ट भी नहीं बनता है, तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर मुझे लगता है इसका। तो मैं उसे चॉप करके या फिर बहुत पतला पतला इसे काट कट करती हूँ। ये देखिए, ये तुरंत भुन जाएगा, तो इसे थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए प्याज बहुत अच्छे से भुन गया है, पूरा कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया है, ये देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने एक चम्मच पेस्ट लिया है। मैं हमेशा जिंजर गार्लिक एक पेस्ट बना के रखती हूँ डब्बे में, ईजी रहता है किसी भी टाइम, तो मैंने इसका एक चम्मच लिया है। इसे भी आधे मिनट तक थोड़ा फ्राई कर लें ताकि जो गार्लिक का स्मेल है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव स्मेल है वो कम हो जाए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने लिया है एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। तो ये सब इसमें मैं डाल देती हूँ। आप चाट मसाला या आमचूर पाउडर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पाउडर मसाले हैं तो बहुत जल्दी भून जाएंगे। ये देखिए, साथ में इसमें ऐड करती हूँ टमाटर। ये देखिए, तो अब टमाटर के साथ हमें इसे कुक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, दो मिनट हो गए हैं, ये देखिए तो
बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है, बर्तन उसने छोड़ दिया, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है मसाला, ये देखिए। तो उस लेवल तक आपको मसाला फ्राई करना है कि बर्तन से बिल्कुल चिपक चिपके नहीं, बिल्कुल अलग हो जाए, ये देखिए। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से इसे छोड़ दिया, और ये देखिए जब हटाया तो बिल्कुल चिपका नहीं। अब इसमें ऐड करूँगी हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव, जी हाँ, ये है इसके स्वाद को बढ़ाने का एक अच्छा इंग्रेडिएंट, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव। आधे मिनट तक इसे भी फ्राई कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्राई हो गया है, इसमें ऐड करती हूँ एक ग्लास पानी और अच्छे से दे मिक्सिंग डन। कितना हरा लाल कलर, कितना प्यारा कलर है, देखिए। टमाटर बाद में डालने से कलर भी बहुत अच्छा आता है फाइन। और ये देखिए, अब मैं इसमें अंडे ऐड कर देती हूँ। मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, अगर आपको इसकी ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप इसे चपाती के साथ खा रहे हैं या राइस के साथ खा रहे हैं, या ग्रेवी की क्वांटिटी कैसे रखनी है, थोड़ा ड्राई खाना है या थोड़ा पतला खाना है, तो पानी का क्वांटिटी आप उसी हिसाब से रखें। तो मैंने जो ग्रेवी रेडी की है वो एक गिलास पानी में रेडी की है, इसे छोड़ देती हूँ मीडियम हीट पे, थोड़ा सा बॉयल करना है इसे मीडियम हीट पे। तो मीडियम हीट पे इसका लिड लगा के इसे 4 से 5 मिनट तक उबाल लें, और बीच में जैसा कि हमेशा बोलती हूँ स्टर करना ना भूले, चलाना ना भूले, वरना नीचे से जलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसे मीडियम हीट पे ढक के 5 मिनट के लिए कुक कर लें। चलिए इसका लिड हटाती हूँ, थोड़ा सा धुआं, और ये देखिए मीडियम हीट पे बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, 5 मिनट हो गए हैं। चलिए अब इसे करती हूँ ऑफ और करती हूँ सर्व। सो फ्रेंड्स, हमारा अंडा करी बनके तैयार है, ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, कितना अच्छा कलर है और उतना ही अच्छा टेस्ट है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्ट माई चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।